दोस्तों, अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हो, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल या फिर आपका लोन का ईएमआई, तो आपने ये तो ज़रूर देखा होगा कि कलेक्शन एजेंसी से बहुत जो है कॉल आता है दिन भर। लेकिन क्या इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जब चाहे जितने बार चाहे कॉल कर सकते हैं? क्या इसके बारे में आरबीआई ने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि आरबीआई का इसके बारे में क्या गाइडलाइन है, जिससे कि आप जो है खुद भी इस बारे में जागरूक बनो, और साथ ही साथ दोस्तों आपके पास ये राइट है जिसका आप इसको सही से इस्तेमाल कर पाओ। ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हो बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड, तो चैनल को जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए, आरबीआई ने स्पष्ट एक गाइडलाइन जारी किया है, जहाँ पर आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि कलेक्शन एक्टिविटी का जो टाइमिंग है वो कब से लेके कब तक होगा। ना उससे पहले हो सकता है कलेक्शन एक्टिविटी, ना उसके बाद जो है बैंक या फिर एनबीएफसी कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि वो टाइमिंग क्या है और उसका प्रूफ क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये क्लियरली आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 के लास्ट पोर्शन में, यहाँ पे क्लियरली आरबीआई ने लिखा है कि सुबह 8 बजे से पहले और शाम के 7 बजे के बाद कोई भी कॉलिंग नहीं किया जाएगा। जो भी बोरोअर है, मतलब जिसने भी लोन लिया है, उसको कोई भी कॉलिंग नहीं किया जाएगा। सो दोस्तों, अभी आप जान लीजिए, कोई भी लोन कंपनी या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी अगर आपको कॉल करता है इस टाइम फ्रेम के छोड़ के, मतलब सुबह 8 बजे से पहले या फिर रात 7 बजे के बाद, तो आप जो है कोई भी कॉल इनका आंसर मत करिए। यह आपका लीगली अधिकार है। यहाँ पे अगर आप कॉल आंसर करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन वो लोग आपको जो है कॉल नहीं कर सकता। अगर कोई कॉल कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ जो है एक्शन ले सकते हो, क्योंकि एज पर आरबीआई ये गाइडलाइन है। और आपके जानकारी के लिए इसका जो लिंक है, इस लिंक को मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो खुद भी इसको जो है रीड कर सकते हो। सर्कुलर जारी हुआ था 12 अगस्त 2022 को, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर के साथ, जिससे ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको भी पता चले। सो दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।